अब जरा सी भी नैतिकता है भारत भारत के प्रधानमंत्री में, जरा सी भी नैतिकता अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो 400 पार का नारा दिया था, 400 पार। लेकिन देश की जनता समझ गई कि ये 400 पार चाहिए संविधान को बदलने के लिए, ये 400 पार चाहिए आरक्षण को खत्म करने के लिए, ये 400 पार चाहिए अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए। और इसलिए देश की जनता ने यह परिणाम दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा सबक है, लेकिन शायद वो सबक नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें तो झगड़ा करना है। ये चुनाव का परिणाम भारत के अंदर नफरत की राजनीति के भी खिलाफ है, तानाशाही की राजनीति के भी खिलाफ है। ये चुनाव का परिणाम इस बात का भी संकेत है कि नफरत की बुनियाद पर हिंदुस्तान नहीं बनेगा, मोहब्बत की बुनियाद पर हिंदुस्तान बनेगा। तो इसलिए मैं इस देश की महान जनता को बधाई देना चाहता हूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आपने हिस्सा लिया और एग्जिट पोल के परिणाम को पूरी तरीके से आपने ध्वस्त किया और ये बताया कि हम लोकतंत्र के अंदर अपने मुद्दों के आधार पर वोट देंगे, पार्टियों का चयन करेंगे। किसी को भी इस अहंकार में नहीं रहना चाहिए कि वो बिल्कुल हमेशा के लिए इस देश पे तानाशाही की अपनी हुकूमत चलाएंगे। और वैसे भी प्रधानमंत्री जी ने जब से कहा कि उनका जन्म बायोलॉजिकल नहीं है, वो अवतार हैं, भगवान से भी बढ़कर अपने आप को मानने लगे, उनकी पार्टी गाना गा रही थी कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इतना अहंकार हो गया कि भगवान श्री राम को लाने का दावा करने लगे, इतना अहंकार हो गया कि भगवान जगन्नाथ जी उनके भक्त हैं ऐसा दावा करने लगे। तो आज बजरंगबली का दिन है, मंगलवार का दिन है, और उनको एक संदेश, एक संकेत भगवान ने, प्रभु श्री राम ने, बजरंगबली जी ने, इस देश की जनता ने दिया है। उससे कितना सबक लेते हैं नहीं मालूम, लेकिन वास्तव में ये भारत के लोकतंत्र की महान जनता है जो ये बताने के लिए मैदान में आई कि आप इस देश में तानाशाही की हुकूमत नहीं चला सकते।